हनुमान जी बेनीवाल से बात करी, मैंने मेरे भाई रविंदर भाटी से उसमें फोन पर बात करी, और जिस तरह से उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, आश्वासन दिया है, उसके बाद मेरे में हिम्मत आई और हौसला आया। उसके बाद आज मैंने सुबह चाय पर सभी युवा साथियों को बुलाया था जयपुर में, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी आज यहाँ आने की, मेरी कोई 1% भी तैयारी नहीं थी, मैंने कोई सोशल मीडिया पर अपील नहीं की थी। मैंने तो ये कहा था कि सभी भाई मैं सबके साथ चाय पीना चाहता हूँ सुबह चाय की थड़ी पर। सभी जिस तरह से चाय की थड़ी पर युवा साथी छात्र साथी मेरे को सुबह आए, और जब मैंने उनसे मनसा पूछी तो एक एक बच्चे ने, एक एक युवा साथी ने कहा कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। और वो इसलिए नहीं रुक सकते, हमें भरोसा नहीं रहा इन पार्टियों पर जिन्होंने आपको 18 में धोखा दिया, 23 में धोखा दिया। क्या गारंटी कि आपको 28 में भी आपको टिकट देने की सोचेगी? इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हम अपने घर बार छोड़ देंगे, हम अपने परिवारों को छोड़ देंगे, हम दिवाली भी उसी देवली उनियारा की धरती पर मनाएंगे, लेकिन आप चुनाव लड़ो, हम नरेश मीणा बनकर एक एक घर में जाएंगे, 3 लाख मतदाताओं के पैर पकड़ लेंगे, वोट मांगेंगे। और ऐसा दुनिया में नहीं है, ये भारत है, यहाँ भावनाओं से लोग चलते हैं, यहाँ लोग सच्चे ईमानदार लोगों को नोटिस करते हैं। जब हमारे साथी, हमारे युवा साथी, छात्र साथी जब पैरों में पड़ेंगे, मतदान के लिए वोट मांगेंगे, तो आपके भाई को आशीर्वाद जरूर देंगे। और उसी हिम्मत के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। क्या राहुल गांधी अगर आपको मनाते हैं तो क्या विड्रॉ करेंगे नामांकन आपका? राहुल गांधी जी नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी जिंदा होकर वापस नरेश मीणा को मनाने आ जाएगी तब भी नहीं मानेगा। आपने जो बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे आंसू आए थे आपके, उस आंसुओं से क्या नई ऊर्जा ले ली? ये आंसू का सैलाब है, पूरा हिंदुस्तान का युवा छात्र देख रहा है कि किस तरह से देश में उभरते हुए छात्र नेताओं की राजनीतिक हत्या की जाती है। एक मेरा साथी जेएनयू में कन्हैया कुमार, एक हमारा साथी छात्र नेता कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट था, वो भी बेचारा इस कांग्रेस के चक्कर में पड़ गया, कांग्रेस में चला गया, उसको पहले इन कांग्रेसियों ने बिहार से हरा दिया, और अभी उसको ऐसी टिकट लोकसभा में दिल्ली से दिया जहां तय था कि कन्हैया कुमार हार जाएगा। ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि कोई युवा छात्र नेता राजनीति में उभर कर आए, इसलिए ये राजस्थान में एक नई क्रांति उपचुनाव में पैदा होगी। जिस तरह से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी और रविंद्र भाटी ने मेरे को आश्वस्त किया, भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार रोत का भी भरोसा मुझे दिलाया, मुझे ये पक्का विश्वास है अगर भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, रविंद्र जी भाटी, राजकुमार जी रोत और भाई हमारे चंद्रशेखर जी आजाद अगर देवली उनियारा के यहाँ पर आएंगे, तो ये तय मान लीजिए कि राजस्थान के 2028 के चुनाव में